नारायणपुर जिले में पुलिस नक्सली विरोधी अभियान चला रही है, जिसमें कई नक्सलियों को सलाखों के पीछे भी पहुंचाया जा चुका है। इस कड़ी में नारायणपुर पुलिस ने ओरछा रोड को ब्लॉक करने में शामिल एक नक्सली को गिरफ्तार किया है। ज्ञात हो कि थाना ओरछा से गुरुवार को DRG जिला पुलिस बल और छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना की गई थी। नक्सल विरोधी अभियान के दौरान संदेह के आधार पर एक आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा गया। पुलिस की पूछताछ में उसने अपना नाम आयतु कोराम निवासी आसन नार का होना बताया। 2022 को जो है बटुंगपारा धनोरा एवं ओरछा के मध्य जो है पेड़ काटकर एवं बिजली के खंभे को मार्ग पर रखकर जो है मार्ग अवरुद्ध करना और रोड खोदना उक्त आपराधिक वारदात में शामिल होना स्वीकार किया गया। तत्पश्चात 18 अप्रैल 2022 को जो है इसके द्वारा माओवादियों के साथ में जो है पेड़ काटकर मार्ग खोदकर जो है मार्ग अवरुद्ध करने की घटना में शामिल होना स्वीकार किया गया है। तत्पश्चात हाल ही में 4 मार्च 2023 को जो है इसके द्वारा ओरछा और धनोरा के मध्य जो है पेड़ काटकर और रोड को खोदकर जो है मार्ग अवरुद्ध की घटना में शामिल होना स्वीकार किया गया है। उक्त तीनों मामलों में थाना ओरछा में पृथक पृथक आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया था और उक्त तीनों मामलों में इस मामले के जो आरोपी हैं आयतु कोर्राम उन्हें संलिप्त होना पाए जाने पर जो है तीनों मामलों में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जो है न्यायालय भेजा गया है। और लखानजोर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट।